बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का लेक्चर वन, जो है जो बेस्ड है हमारे पे लेक्चर है हमारा आज का ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ओके, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन, जो उनका बीच का इंटरेक्शन हो रहा है वो हम पढ़ेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की है, वो है मैकेनिक्स, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है अब ये समझ नहीं जा रहे। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है। इसके हम कॉजेस पढ़ेंगे कि किस वजह से, इसकी वजूहात क्या है और इसके इफेक्ट्स यानी इसके नुकसान क्या है, ठीक है। मैकेनिक्स में हम ये पढ़ेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें, इसकी कॉमन एग्जाम्पल एक हमारे पास या तो कार होगी या फिर बॉल होगी, बस आप यही लिख दीजिएगा तो बस मैकेनिक्स की आप एग्जाम्पल हो जाएगी। अब कार किस तरह, कार चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन कार मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब कार इज अप्लाइंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो अब अगली ब्रांच हम जो पढ़ेंगे फिजिक्स की वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांचेस थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास कौन सी ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास दो अलग अलग वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, इनको ओ से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो अलग वर्ड हैं, एक है थर्म और दूसरा है डायनेमिक्स। अब थर्म जब भी वर्ड है तो उसका मतलब ऑलवेज हीट होगा, और डायनेमिक्स एक सेपरेट चैप्टर भी है, इसका एक मीनिंग है वो है पावर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, थर्म हीट और डायनेमिक्स पावर। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा कि हमें पावर ऑफ हीट कितनी है वो जाननी है, इसकी हीट की नेचर भी जाननी है, इसके इफेक्ट्स भी जानने हैं, इसके नुकसान और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी जाननी है कि किस तरह ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर नेचर एंड इफेक्ट्स। तो ये तीन चीज़ें हमें जाननी है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। अब एक थर्मोडायनेमिक्स में हम यही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसकी एक कॉमन है जो कि आप भी जानते होंगे, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। सनलाइट की वेव्स, सनलाइट की जो लाइट होती है, लाइट सॉरी वेव्स बोला, लाइट होती है जो सनलाइट की,
वो आती है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब देखें, नंबर थ्री ब्रांच जो है फिजिक्स की हमारे पास, वो है वेव मैकेनिक्स, यानी साउंड, वेव मैकेनिक्स, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, इस ब्रांच में हम साउंड से रिलेटेड सब चीजें पढ़ेंगे। अब वेव मैकेनिक्स, इसमें भी दो अलग अलग वर्ड है, देखिए वेव मैकेनिक्स। अब वेव यानी, वेव पता है आपको, वेव वो होता है जिसके जरिए साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ऐसे ट्रेवल करता है, ये कहलाते हैं हमारे पास वेव्स, ठीक है। और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स अभी आपने एक पढ़ी है ब्रांच, मैकेनिक्स यानी मोशन, मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ वेव्स, के वेव्स किस तरह मूव करते हैं, ठीक है। कभी भी वेव्स ऐसे नहीं हो सकते, वेव्स ऑलवेज ऐसे हो, ठीक है। अब देखें, इसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर वन प्रॉपर्टीज, ये आपको सब याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, प्रोडक्शन एंड एंड इसके एप्लीकेशंस, यानी इसकी यूजेज, ये कहाँ कहाँ होती है। अब ये बताता हूँ, प्रॉपर्टीज यानी जैसे सबकी हर एक शेप, जैसे हम मैथ्स में ले लें, कोई एक ट्रायंगल है तो उसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं, तो इसी तरह प्रॉपर्टीज ये है। और अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें कि तो किस तरह मतलब काम करता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी किस तरह काम करता है, प्रोडक्शन यानी किस तरह प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस करता है वेव, किस तरह वेव उसका, वेव मैकेनिक्स का प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब प्रोडक्शन। और जो एप्लीकेशन है उसका मतलब कि किस किस पे यूज होता है, यूज किस पे होता है, ड्रम्स में, ठीक है, ड्रम्स और या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। वेव मैकेनिक्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जो अगला है हमारे पास वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है हमारे पास, ऑप्टिक्स जब भी लफ्ज आए के माइंड में तो इसका मतलब हमेशा लाइट ही होगा, लाइट, ऑप्टिक्स मींस लाइट। इसमें, इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, वही फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी वर्किंग ऑफ लाइट, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, के जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज, हम किसी भी शेप की ले लें तो वो होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसके अलावा उसकी वर्किंग, वही फिजिकल एस्पेक्ट्स और वर्किंग, और इसकी आखिरी में यूज यानी एप्लीकेशन, यूज। अब लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, कि वो किस तरह वर्क करती है, जब हम टॉर्च खोलते हैं तो लाइट आती है। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, वो आप अलग से आगे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। वर्किंग, वर्किंग वही के ये किस तरह वर्क करती है, और इसका यूज, के यूज किस लिए होती है लाइट, बहुत से यूज के लिए होती है, लेकिन अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल, यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी टॉर्चेस या इमरजेंसी लाइट्स, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल वही सनलाइट या फिर हमारे पास कोई इमरजेंसी लाइट या टॉर्च, ठीक है। अब जो अगली ब्रांच है हमारे पास साइंस की, फिजिक्स की, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, जो क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये
थोड़ी डिफिकल्ट भी है, लेकिन जहाँ पे ये ऐसे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। जाहिर है एक चार्ज होते हैं दो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसकी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कि वो कब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब रेस्ट पे है और कब वो मोशन पे है, ठीक है, रेस्ट और मोशन पे कब वो है तो उसका बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे हम, इफेक्ट्स, ठीक है, और इसके अलावा हम उसका रिलेशनशिप बताएंगे मैग्नेटिज्म के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप विथ मैग्नेटिज्म, विथ मैग्नेटिज्म, विथ मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम यही सब पढ़ेंगे। अब अगली जो ब्रांच है हमारे पास साइंस फिजिक्स की, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी 5 ब्रांचेस, हमारे पास फिजिक्स में 9 ब्रांचेस हैं, ठीक है, हमने 5 पढ़ लिए हैं। अब जो 6th ब्रांच है हमारे पास वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स देखें, एटम हम हमेशा, आपने हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम, एटम पता है ना क्या होता है, when two or more elements combine together to form an atom, ठीक है, तो atom वो ही होता है, atom is made up of matter, तो atom हम फिर chemistry में पढ़ते हैं, तो ये physics में भी आया है, physics, chemistry, biology तीनों एक ही बहुत link है तीनों में आपस में, ठीक है। अब atomic physics क्या है, atomic physics, ठीक है, it is a study of the structure and properties of atoms, ये स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर के एटम किस तरह बनता है, किस तरह दिखता है एटम, एटम ऐसा दिखता है ना एक एटम, उसमें नहीं ऐसा नहीं दिखता, एटम एटम इस तरह दिखता है, ये देखेंगे, इसमें हम बताते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में एटम का, और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज प्लस स्ट्रक्चर, इसमें तकरीबन सारी चीजें जो आप केमिस्ट्री में पढ़े वही है, लेकिन और डिटेल में बोल देना, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में ये सब पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में सब, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं। अब जो अगली ब्रांच है फिजिक्स की वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, अब आपने जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया एटॉमिक फिजिक्स, अब आपने सुना होगा एटम बम भी होते हैं, एक एटम बम अगर एक कंट्री पे गिरा तो वो तकरीबन पूरी कंट्री तबाह हो जाती है, अब न्यूक्लियर बम अगर एक कंट्री पे गिरता है तो वो सिर्फ कंट्री तबाह नहीं होती, उसकी नेबरिंग कंट्रीज भी तबाह हो सकती है, 2-3 कंट्रीज तबाह होती हैं न्यूक्लियर बम से, ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स से भी पावरफुल है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर न्यूक्लियाई का, प्रॉपर्टीज, अब देखें इतनी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, 9 ब्रांचेस, उसमें से तकरीबन सबकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, और इसका हम पढ़ेंगे कि बिहेवियर क्या होता है न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियर जो होता है वो किस तरह रिएक्ट करता है न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, न्यूक्लियस होता है ना ऐसे, न्यूक्लियस ये जो एक अंदर का होता है वो न्यूक्लियस होता है, एक अंदर का सर्कल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियर होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स में डाले जाते हैं, तो वो इस तरह वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, जैसा कि न्यूक्लियर भी बहुत बड़ा होता है उसके भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियर, इसका जो मेन पॉइंट है वो है न्यूक्लियर। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए आप फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, बस इसको अभी इतनी डिटेल समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप
सिर्फ ब्रांचेस पढ़े, आप आगे जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तब और डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अलग अलग चैप्टर्स होंगे। अब अगले जो ब्रांच है हमारे पास वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है हमारे पास? प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है, ये प्लाज्मा फिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर के, इसमें हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की करते हैं, आयोनिक स्टेट। आयन, आयन का पता है ना आपको क्या होगा? जब कोई जैसा कि हम ले लें फॉर एग्जांपल लिथियम ले लेते हैं हम, लिथियम, एल आई लिथियम, लिथियम, लिथियम में ऐसे होगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लिथियम में ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर बने, लिथियम में ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हम अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें, किसी और एटम को, तो इसका फिर हमारे पास चार्ज रहेगा +1। तो ये आयन जो होगा ना हमारे पास वो होगा कैटाइन, क्योंकि इसने वो किया है लिया है। ये मैं अलग से केमिस्ट्री का लेक्चर दूंगा, वो पूरा होगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि आयोनिक स्टेट के बारे में, प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा फिजिक्स में हम पढ़ते हैं हमेशा आयोनिक स्टेट, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के बारे में, कि आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कौन सा मैटर है। तो ये आयोनिक स्टेट जो है हमारे पास वो है हमारे पास फोर्थ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट है इसका, ये है मैटर का, ठीक है, मैटर का ये जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। अब जो अगला हम पढ़ेंगे ना वो है हमारे पास जियो फिजिक्स, आखिरी ब्रांच है, 8 ब्रांचेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो अब आखिरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है जियो फिजिक्स, ठीक है, जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स में बहुत क्लियर बात आती है, ये जियो सबसे पहले हमें ये जानना है, जियो, ठीक है, जियो बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ जियो फिजिक्स नहीं होता। आपने जियोमेट्री, इसको जियोमेट्री नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इस सब इन सब में भी जियो जियो आ रहा है। तो जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है। इसमें जो जियो फिजिक्स है ना उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं कि अर्थ के अंदर आखिर क्या क्या है, ठीक है, जियो फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो अर्थ है हमारे पास, अर्थ इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब जाहिर है एक इतना बड़ा अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सब हम जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसकी सब चीजें, जैसे कि स्टेट स्टेट और क्या क्या, जैसे एक जैसा कि एक अर्थ में बहुत सी चीजें होती हैं, तो ये सब हम जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी आपको बस ये बताना कि वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन जियो फिजिक्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। प्लीज मेरे चैनल नॉलेज मिशन नॉलेज बाय बीसी को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।